लेट्स से कि हमारा जो जीसी स्कोर है, एक क्वेश्चन तो उसका जो है हर एक एग्जाम में आना ही है। सो एज यू नो कि उसका मैक्सिमम स्कोर होता है 15 एंड मिनिमम स्कोर होता है 3। सो हम तीन रिस्पॉन्स चेक करते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मोटर रिस्पॉन्स में एंड वर्बल रिस्पॉन्स में। रेस्ट जो आई रिस्पॉन्स है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स में जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो इसको मैंने बहुत ही एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमें जीसी स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स है तो हमें पता है कि टोटल स्कोर जो होता है मोटर स्कोर वो है 6। सो इसको हमें एक निमोनिक बनाकर रखना है। इस पूरा जीसी स्कोर के लिए हमें सिर्फ दो लाइन याद रखनी है एंड उन दो लाइन से जो है आपका जीसी स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। ओब्वियसली हम सबको पता है कि इफ़ द पर्सन ओबेज द कमांड देन द स्कोर इज 6 एंड इफ देर इज पेनफुल स्टिमुलस देन स्कोर इज 5 एंड इफ ही विड्रॉ फ्रॉम पेन देन द स्कोर इज 4 एंड एबनॉर्मल फ्लेक्शन के लिए 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन के लिए 2 एंड नो मोटर रिस्पॉन्स दैट इज स्कोर इज 1। सो वी ऑल नो कि 6 इज मतलब पेशेंट इज नॉर्मल एंड स्कोर 1 इज दैट इज नो मोटर रिस्पॉन्स। सो इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो याद करना है वो है ये 5-2 स्कोर। सो इस स्कोर को हमें याद करने के लिए हमें एक सिंपल सा एक निमोनिक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम पी वर्ड चूज करेंगे पेनफुल स्टिमुलस से, देन विड्रॉ फ्रॉम पेन से W, देन एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन। देन इसके लिए एक सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, दैट इज पेनफुल PWFE। इसको हमें कैसे याद रखना है, पेनफुल विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, दैट इज पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स या फिर आई जो भी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटर रिस्पॉन्स के लिए एक ही लाइन याद रखनी है, वो है पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम आई, पेन विड्रॉ फ्रॉम आई, कुछ भी आप याद रखो, पेन विड्रो फ्रॉम आई। सो इसको ही आपको एक ही लाइन याद रखनी है एंड इससे आपका जो है मोटर रिस्पॉन्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देन सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो है वर्बल रिस्पॉन्स। सो वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोर है वो है 5। सो इफ द पेशेंट इज ओरिएंटेड देन द स्कोर इज 5, इफ पेशेंट इज कन्फ्यूज देन 4, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स देन 3, इन अप्रोप्रिएट साउंड्स एंड स्पीच देन स्कोर इज 2 एंड नो वर्बल रिस्पॉन्स सो ऑब्वियसली स्कोर इज 1। सो ओरिएंटेड दैट इज पेशेंट इज नॉर्मल अगेन 5 एंड 1, इसको हमें एक्सक्लूड कर देना है, इसको हमें याद नहीं करना है। सो अब हमें इन तीनों को याद करना है। सो अब हम जो अल्फाबेट चूज करने वाले हैं, दैट इज कन्फ्यूज के लिए C, देन इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड इन अप्रोप्रिएट साउंड। सो इसके लिए हमें एक निमोनिक बनाना है, दैट इज कन्फ्यूज विद साउंड्स। ओके, सो इस लाइन को आपको याद रखना है फॉर वर्बल रिस्पॉन्स के लिए, सो कन्फ्यूज विद साउंड। सो अगर आप इस लाइन को याद रखते हो तो आपका वर्बल रिस्पॉन्स भी बहुत ईजिली जो है कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आई रिस्पॉन्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है कम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओब्वियसली इफ द पेशेंट इज नॉर्मल देन द स्कोर इज 4 एंड इफ इट इज एब नॉर्मल देन 1, इफ पेशेंट गिव द रिस्पॉन्स ऑन वर्बल कमांड देन स्कोर इज 3 एंड पेन के लिए 2। सो इसको तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट याद कर लेते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मोटर एंड वर्बल रिस्पॉन्स में आते हैं। सो मोटर रिस्पॉन्स के लिए हमें एक ही लाइन याद रखनी है, डेट इज पेन विड्रो फ्रॉम द आइज, और वर्बल रिस्पॉन्स के लिए कन्फ्यूज विद साउंड्स, डेट्स इट। सो इससे आपका जो है जीसी स्कोर जो है वो आपका इजिली कैलकुलेट हो जाएगा।